सुप्रीम कोर्ट ने बीफ बैन मामले में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की जम्मू बेंच के ऑर्डर को दो महीनों के लिए सस्पेंड कर दिया है। जम्मू कश्मीर में बीफ खरीदा और बेचा जा सकता है। जम्मू बेंच ने 8 सितंबर को बीफ की खरीद फरोख पर रोक लगाने के आदेश दिए थे। भारत और जर्मनी के बीच शिक्षा, कौशल विकास और मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में समझौते हुए, इस बात की जानकारी मर्केल और पीएम मोदी के ज्वाइंट स्टेटमेंट से मिली है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने 3 दिन के लिए अपना बिहार दौरा बढ़ा दिया। बताया जा रहा है कि अमित शाह 8 अक्टूबर तक बिहार में रहेंगे। भीख रखने की अफवाह के बाद मारे गए मोहम्मद अखलाक की हत्या पर सियासत और भी तेज हो गई है। यूपी के शहरी विकास मंत्री आजम खान ने कहा है कि यूपी के जिन 5 सितारा होटल में भीख बिकता है, उनकी ईंट से ईंट बजा दी जानी चाहिए, जैसे बाबरी मस्जिद के साथ। यूएसपी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। तोगड़िया ने कहा है कि देश में अगर उनकी सरकार होती तो 24 घंटे में राम मंदिर बन जाता, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों को पुलिस गोली मार देती। बीजेपी विधायक घनश्याम तिवारी के साथ हुई हाथापाई के बाद यूपी बीजेपी प्रभारी ओम माथुर ने तिवारी से मुलाकात की। माथुर ने तिवारी का हाल जाना। मुलाकात के बाद ओम माथुर ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। जल संसाधन मंत्री डॉक्टर रामप्रताप ने सूरतगढ़ में किसानों से बातचीत की। ये किसान इंदिरा गांधी नहर योजना के पहले चरण में 2 समूहों में पानी चलाने की मांग को लेकर आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। सार्वजनिक निर्माण मंत्री यूनुस खान डीडवाना दौरे पर रहे, जहां उन्होंने शिक्षक दिवस के 2 दिवसीय कार्यक्रम में भाग लिया। मंत्री खान ने कहा कि शिक्षक समाज का अहम हिस्सा है और शिक्षक ही समाज का निर्माण करते हैं। चित्तौड़गढ़ के उमन गांव में शराब की दुकान के सेल्समैन सत्यनारायण के अज्ञात लोगों ने गला रेतकर हत्या कर दी। पुलिस का कहना है कि हत्या में किसी करीबी का हाथ है। लालपुर के देहौरी थाना क्षेत्र के खेरली गांव में 2 सगे भाइयों के तालाब में डूबने से मौत हो गई। प्रशासन ने गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। चूरू के बिरसाओं में स्वाइन फ्लू ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। शहर में स्वाइन फ्लू से एक महिला की मौत हो गई। स्वाइन फ्लू के तेजी से फैलने के कारण जिले में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। स्क्रीनिंग भी शुरू कर दी गई है। जोधपुर के सरदारपुरा में चोरों ने 2 दुकानों पर हाथ साफ किया, लाखों रुपए का सामान लेकर फरार हो गए। मौके पर पहुंचे पुलिस ने घटना की जानकारी ली, मामला दर्ज कर दिया है। पुलिस वारदात पर कुछ भी कहने से इनकार भी कर दिया। बीकानेर के पीपीएम अस्पताल के बच्चों वार्ड में रेजिडेंट डॉक्टर और परिजनों के बीच बेडशीट की बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद ने इतना तूल पकड़ लिया कि दोनों हाथापाई पर उतर आए। टोंक में समाचार प्लस की खबर का असर हुआ है। सरकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार में हुई ठगी के मामले में अतिरिक्त रजिस्ट्रार अजमेर ने एक जांच दल गठित की है। दल ने पीड़ितों से मुलाकात की, डीए चेक और अन्य दस्तावेज भी इकट्ठा किए हैं। ओसिया की एकलखोरी ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच ने ओसिया मजिस्ट्रेट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पूर्व सरपंच पर फर्जी मार्कशीट से चुनाव लड़ने का आरोप है। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने खेताराम की जमानत याचिका खारिज कर 15 दिन की हिरासत में भेज दिया। निम्बहेड़ा सदर थाना पुलिस ने एक चोर गिरोह के 4 सदस्यों को पकड़ा है। ये पवन चक्की से केबल चुराते थे। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान एक चोर भागने में कामयाब रहा। सीकर के रिंगस इलाके के लाखनी गांव में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया। सहकारी समिति के जमीन पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। सीकर में छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। गुस्साए लोगों ने श्री माधोपुर एसडीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने पानी की मांग को लेकर एसके मेनन हॉस्टल में तोड़फोड़ की। छात्रों ने वाटर कूलर को सड़क पर पटक दिया। पिछले 1 साल से पानी की भारी किल्लत है। चूरू के बिसाव पालिका में छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने के चलते कस्बे में गंदगी का अंबार लगा है। सड़क पर कीचड़ की वजह से छात्राओं को स्कूल जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किशोरापाटन में डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 1 हफ्ते में डेंगू से 2 छात्रों की मौत हो चुकी है। शहर में 3 दर्जन से अधिक डेंगू से पीड़ित पाए गए हैं लोग, जिनका कोटा के अस्पतालों में इलाज चल रहा है। राजस्थान राज्य महिला शिक्षक संघ ने जिला स्तरीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन का आयोजन पोद्दार स्कूल में किया गया। सम्मेलन में सांसद रामचरण बोहरा मौजूद रहे। इसमें शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। वैश्विक बाजारों से सकारात्मक संकेत लेते हुए सटोरियों ने ताजा सौदों की लिवाली के, जिससे वायदा कारोबार में सोने की कीमत 397 रुपए की तेजी के साथ 26,170 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। राजधानी के चौगान स्टेडियम में बीजेपी विधायक पार्षदों के बीच कबड्डी मैच आयोजित की गई। पार्षदों ने फतह हासिल की और मैच 40-26 से अपने नाम कर लिया। पहले भी अपनी गायकी का जलवा दिखा चुके सदी के महानायक अमिताभ बच्चन स्टार प्लस के नए टीवी कार्यक्रम आज की रात है जिंदगी के लिए गाना गाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि अपनी आवाज देने के साथ ही गीत की रचना भी अमिताभ ही करेंगे।